सो हाँ जी, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप आप सब लोग बढ़िया, मस्त, चौकस और एकदम आपके भाई की तरह। सो भाई पवन सिंह भाई पता नहीं किधर गायब हो गए यार। पीछे तो गाने पे गाना आ रहा था, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया कोई गाना नहीं आ रहा यार, लिटरली। और मुझे बंदे बोलते हैं कि भाई आप डेली वीडियो बना बना के डालो, और मैं वीडियो कैसे डालूँ भाई, आई डोंट नो, क्योंकि यार गाने तो आ नहीं रहे। और अभी मेरे पास एक पवन सिंह की ऐसी वीडियो है जो मे बी आप में से कुछ लोगों ने देख ली होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी तो हम साथ में देखते हैं कि पवन सिंह भाई कल किसी के जन्मदिन पे गए थे, उसकी वीडियो है ये भाई। तो देखते हैं क्या बातचीत हुई। पवन सिंह भाई को देख के ना फील आ जाता है, मस्त जोश बोश भर जाता है। तो देखते हैं हम। ओके, सो ये किसी विक्की सिंह नाम के बंदे का जन्मदिन है, आई थिंक सो ये पवन सिंह का भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है। देखते हैं भाई कौन कौन है। ओके, और पवन सिंह के साथ विशाल सिंह भी, ये बंदा भी भाई भाई यार वाइन खोल रहा है। पवन सिंह भाई यार क्या मस्त लुक लग रही है यार बंदे की, यार शर्ट डाली है, नीचे से बनियान डाली है और शर्ट के बटन ओपन कर रखे हैं, क्या बात है, क्या बात है यार, बंदे से इतना कुछ सीखने को मिलता है। वो बंदा पहले रिस्पेक्ट के तौर पे पवन सिंह को खिलाने लगा था, पहले बोला कि अपनी घरवाली को खिला भाई। यार मैन लिटरली सलूट है यार इस बंदे को, बंदे की सोच बंदे को बड़ा बनाती है, बंदे का काम नहीं। और साथ में भाई ब्यूटी स्मृति सिन्हा भी, अब तो ये साथ ही रहती है भाई के। ओके, ये भाई ने बनाई है वीडियो। स्मृति सिन्हा, अरे अब तेरे हाथों से क्या खाएगा, उसने सुंदरता के हाथों से खा लिया है। विशाल सिंह, ओहो, वाइन ओपन कर दी विशाल सिंह ने। और ये दूसरी वाइन नहीं है, ये एक फ्रूट वाइन होती है, आई थिंक सो ग्रेप्स की वाइन लग रही है। जो फ्रूट वाइन होती है ना, ये ऐसी पार्टियों के लिए आती है, मतलब जो रियल वाइन होती है वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी महंगी होती है, तो पार्टियों पे ऐसे इसको मतलब डोलने के लिए, हमारे पंजाबी में बोलते हैं डोलना, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ही बारिश करने के लिए इसकी यूज़ किया जाता है। कोई गाना वाना सुनाओ यार पवन भाई, ब्रांड है यार, ब्रांड बंदा। ओके, तो ये था छोटा सा वीडियो। इसमें भाई ये बंदे बर्थडे पे एंजॉय कर रहे हैं, और भाई पवन सिंह भाई को देखने का मन था, तो मैंने सोचा कि यार एक छोटी सी क्लिप है, चलो आपके साथ ही देख लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन अच्छी लगी होगी, और हमने थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ली। खैर ओ, और अगर आप पवन सिंह भाई के फ़ैन हो तो मेरे को लिंक भेजो यार पवन सिंह के किसी भी लाइव शो का, और मैं जल्दी लाइव शो पर भी रिएक्शन करने वाला हूँ, समझ गए ना, मिलते हैं।